नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस। पिछले कुछ समय से आप सबके लिए बीएड, डीएड और एमएड के कुछ सांक्षिप विषय उनके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा है। आप सबने जो स्नेह और सहयोग मेरे पिछले वीडियो के लिए जो दिखाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो पर, इस चैनल पर मैं बीएड के लगभग सभी पेपरों के मानक पाठ्य सामग्री के साथ आपको जो वीडियो है वो उपलब्ध करवाओ। पाठ्य सामग्री जो होगी वो मानक होगी, स्टैंडर्डाइज होगी, उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं होगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्रारंभ करते हैं। आज एक छोटा सा उपविषय लेकर आप सबके बीच में हूँ, स्कूल ट्रांजिशन, विद्यालय अवस्थान। पहले हमने स्कूल रेडीनेस पढ़ा था, उसके साथ ही एक टॉपिक है, ये पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और इसमें मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन स्कूल ट्रांजिशन। आप बता पाएंगे कि विद्यालय अवस्थान होता क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशनल वर्कर्स इन स्कूल ट्रांजिशन, कि जो शिक्षा कर्मी हैं उनकी भूमिका क्या रहती है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल ट्रांजिशन, वो कौन से कारक हैं जो विद्यालय अवस्थान को प्रभावित करते हैं। टेल स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ट्रांजिशन, आप स्ट्रेटजीज बता पाएंगे जिनसे हम अवस्थान को इम्प्रूव कर सकते हैं। आईटीपी, इंडिविजुअलाइज ट्रांजिशन प्लान के बारे में भी हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि उसके स्टेप्स कौन से होते हैं, बनाया कैसे जाएगा वो मैं एक अलग वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ट्रांजिशन, विद्यालय अवस्थान होता क्या है, मीनिंग की बात करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, ट्रांजिशन इज अबाउट चेंज। जो अवस्थान है वो बदलाव के बारे में, ये बदलाव क्या है इसका अर्थ हमने इस स्लाइड में डिस्कस करने की कोशिश की है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके बैकग्राउंड में दो बॉल दिखाए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, एक में एक मछली है, एक में तीन मछलियां हैं, और एक मछली जंप करके दूसरे में जा रही है। यही बदलाव है। बच्चा जब अपने घर के वातावरण से आंगनबाड़ी, बालवाड़ी या किंडरगार्टन स्कूल में जाता है, वहां से वो बेसिक स्कूलिंग लेता है, या वो प्राइमरी से मिडिल में जाता है, या मिडिल से वो हाई में जाता है, हाई से वो सीनियर सेकेंडरी में जाता है, सीनियर सेकेंडरी से वो कॉलेज में जाता है, और कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन प्राप्त करके वो जॉब में जाता है। तो वहां सब चीजों के लिए हमें एक ट्रांजिशन प्लान की आवश्यकता होती है, उसको अवस्थान कहती है। और जब ये एजुकेशन में होता है तो इसको स्कूल ट्रांजिशन कहा जाता है, विद्यालय अवस्थान कहा जाता है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या वर्डिंग इसके लिए यूज की गई, उस पर हम विचार करते हैं। स्कूल ट्रांजिशन इज ए लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर चिल्ड्रन। ये कहता है कि जो विद्यालय अवस्थान है वो जीवन परिवर्तित कर देने वाला एक इवेंट होता है बच्चे के लिए। दे आर रेयरली फेस्ड विद सच ए पावरफुल सेट ऑफ पर्सनल एंड सोशल चेंजेस। अभी वो घर में था, अपने माता पिता, अपने भाई बहन या परिवार के जो और सदस्य हैं या सामाजिक सदस्य जिन तक वो बाहर जाता है खेलने के लिए कुछ, अब उसको क्या होता है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है स्कूल। तो वहां पर उसे कुछ नए तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वो कैसे होते हैं, पर्सनल भी होते हैं और सोशल चेंज वाले भी होते हैं। दीज अंडरपिन द इमीडिएट एंड लॉन्गर टर्म वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। अब ये जो बदलाव होते हैं, ये जो इम्पैक्ट होते हैं पर्सनल और सोशल, ये बच्चे के ऊपर तात्कालिक प्रभाव भी दिखाते हैं और लाइफ लॉन्ग प्रभाव भी दिखाते हैं। पीयर ग्रुप्स, उसका साथी समूह कैसा है, टीचर्स, अध्यापक कैसे हैं, और विद्यालय, स्कूल कैसा है, ये सारे मिलकर उसके ऊपर पर्सनल और सोशल चेंजेस जो है वो लेकर आते हैं। इन एजुकेशन द टर्म ट्रांजिशन टिपिकली रेफर्स टू द थ्री मेजर ट्रांजिशनल पॉइंट्स इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ये कहता है कि शिक्षा के अंदर जो अवस्थान है वो बेसिकली सामान्य तौर पर तीन मुख्य बिंदुओं पर देखने को मिलता है। पहला है व्हेन स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल टू मिडिल स्कूल। जब वो प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय से जो मिडिल स्कूल है उसमें जब जाता है तब होता है। फ्रॉम मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल, जब वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाता है। फ्रॉम हाई स्कूल टू कॉलेज, और जब वो हाई स्कूल से उच्च जो विद्यालय होता है उससे वो जब महाविद्यालय की तरफ जाता है तब ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। व्हाइल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस अदर ट्रांजिशंस ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल जर्नी सच एज एडवांसिंग फ्रॉम वन ग्रेड लेवल टू द नेक्स्ट, ये जो ट्रांजिशन है वो कुछ और तरीके से भी देखने को मिलता है। पहले बच्चा पहली कक्षा में फर्स्ट में है,
जब वो सेकंड में हुआ तो कुछ ट्रांजिशंस आएंगे, जब वो थर्ड में हुआ, फोर्थ में हुआ, फिफ्थ में हुआ, एट्थ में हुआ, टेंथ में हुआ, हर साल जो उसकी कक्षा जो है परिवर्तित होती है। और बाय चांस मान लीजिए बच्चे का सेक्शन चेंज कर दिया जाता है, सेक्शन ए से उसको बी में भेज दिया, बी से उसको सी में भेज दिया, तो भी ये ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलता है। द थ्री मेजर ट्रांजिशन पॉइंट्स आर पर्टिकुलरली फोकस ऑन एजुकेटर्स एंड स्कूल रिफॉर्म्स बिकॉज ट्रांजिशनिंग स्टूडेंट ऑफन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, फिजिकल और डेवलपमेंटल चेंजेस दैट मे एडवर्सली अफेक्ट देयर एजुकेशनल परफॉर्मेंस। ये कहता है कि जो तीन हिस्सों में इसको जो बांटा गया है वो इसलिए बांटा गया है ताकि जो एजुकेटर्स है और स्कूल रिफॉर्मर्स जो है, जो शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा का कार्य करना है और वो लोग जिन्होंने शिक्षा के लिए नीति निर्माण करना है, वो लोग किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दे पाए ट्रांजिशनिंग के मामले में। पहला एकेडमिक, जिसको हम शैक्षिक कहते हैं, शिक्षा के अंदर क्या बदलाव लेकर आना है जब वो बच्चा प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल से हाई में जाता है या हाई से कॉलेज में जाता है तब। दूसरा सोशल, उसको कैसे सोशल एक्सपीरियंसेस हमने देने हैं। तीसरा इमोशनल, उसको जो संवेगात्मक वातावरण है वो कैसा देना है। फिजिकली जो नॉलेज है वो उसको कैसी देनी, एक्सपीरियंसेस कैसे करवाने हैं, उसकी एक्टिविटीज कैसी हो जाएंगी और डेवलपमेंटल चेंजेस कैसे होंगे, इनको हमने उसकी शिक्षा के अंदर मिलाना होता है। तो ये सामान्य तौर पर अगर मैं कहूँ ट्रांजिशन क्या है, घर से बच्चे को विद्यालय के अंदर भेज देना, विद्यालय की एक विशेष अवस्था से ऊपर वाली अवस्था में लेके जाना, फिर उससे ऊपर वाली अवस्था में लेकर जाना, और ये जो बदलाव है इसको हम विद्यालय अवस्थान या स्कूल ट्रांजिशन कहते हैं। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस स्कूल ट्रांजिशन की, जरूरत क्यों है। ये हम विशेष शिक्षा के बच्चों के बारे में भी बात करेंगे या सामान्य तौर पर जो बच्चे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला है फॉर क्रिएटिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर। अगर हमने एक स्कूल ट्रांजिशन प्रोग्राम बना लिया, प्लान बना लिया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, नए आने वाले, जैसे अब दाखिलों का समय प्रारंभ हो चुका है, अप्रैल चल रहा है, मार्च में हमने पिछले सेशन के देखे, तो जिस जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है, नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको उस वातावरण में ढालने के लिए, उस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए हर विद्यालय अपनी एक योजना बनाता है। और वो किस लिए बनाता है कि सेफ एनवायरनमेंट दे पाए, जो नए लर्नर आए हैं उनको हम एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर पाए। दूसरा फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज, ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी है कि उन बच्चों को लेकर हमें किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती है। वो बच्चा जब हमारे विद्यालय में आएगा, हमारी कक्षा में आएगा, तो उसको लेकर किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उनको विचार करने के लिए भी हमें विद्यालय अवस्थान की आवश्यकता पड़ती है, योजना की आवश्यकता पड़ती है। फॉर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, अगर हमने उनके अभिभावक, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विद्यालय, विद्यालय का वातावरण जिसमें पाठ्यक्रम और दूसरी चीजें आती हैं, उसके अध्यापक, अभिभावक, ये सारे मिलकर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर हम पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो शिक्षा का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधित रह जाएगा। इसके लिए भी हमें स्कूल ट्रांजिशन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर बेटर इमोशनल एंड एकेडमिक एडजस्टमेंट, कई बार होता है कि बच्चे जब नई जगह पर जाते हैं, घर से वो पहली बार बालवाड़ी, आंगनवाड़ी या किंडरगार्टन स्कूल में गया तो उसको प्रॉब्लम, वो रोने लग जाता है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, वो वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भी हमें आईटीपी की जरूरत पड़ती है। फॉर चिल्ड्रंस बेटर आउटकम्स, बच्चे से जो हमने बेहतर परिणाम लेने हैं उसके लिए हमें स्कूल ट्रांजिशन जो कार्यक्रम होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। फॉर बेटर कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट प्रोफेशनल्स, आईटीपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजिशन प्लान, वो जो बनता है उसमें अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो सहयोग की भावना लेकर आनी है उसके लिए भी हमें स्कूल ट्रांजिशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको सुधारा जा सके। एंड लास्ट है फॉर बेटर रिजल्ट्स एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली, बेहतर परिणाम के लिए तीनों क्षेत्रों में, शैक्षिक हो चाहे वो, सामाजिक हो या संवेगात्मक। अब बात करते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो स्कूल ट्रांजिशन या सक्सेसफुल स्कूल ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। पहला है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बालक के बारे में जो सूचनाएं हैं अगर वो ढंग से नहीं दी गई हैं तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाएगा, उसकी सारी सूचनाएं उसमें नहीं डाली जा सकेंगी, और जब नहीं डाली जा सकेंगी तो उस बच्चे के बारे में जो एक योजना बनानी है उसकी शिक्षा को लेकर वो ठीक से नहीं बन पाएगी।
पहला है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर वो ठीक से शेयर हुई हैं सारी सूचनाएं परिवार ने, उसके पिछले विद्यालय ने, पिछले अध्यापक ने, अगर बच्चे को कोई विशेष समस्या है तो उसका जो चिकित्सक है उसने अगर दी है तो हम ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है सपोर्ट टू द चाइल्ड, बच्चे को कैसा सहयोग दिया जाए, इसमें दोनों चीजें आती हैं, पहला है सोसाइटी और फैमिली की तरफ से और दूसरा है स्कूल की तरफ से, दोनों चीजें प्रभावित करेगी। अगला है फैमिली पार्टिसिपेशन, परिवार बच्चे की शिक्षा के अंदर किस तरह की सहभागिता जो है वो दर्शा रहा है, दिखा रहा है, उसका अभिप्रेरणा का स्तर कितना है उस सहभागिता के अंदर, ये भी प्रभावित करता है। अगला है डिग्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये इस विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए है जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जिनको विभिन्न तरह की मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, वो कुछ दिन जाते हैं विद्यालय फिर रुक जाते हैं, फिर जाते हैं फिर रुक जाते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी अगर बढ़ती जाती है तो आईटीपी जो है वो स्कूल ट्रांजिशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता। अगला है एजुकेशन लेवल ऑफ द पेरेंट्स, अभिभावकों का शिक्षा का स्तर कैसा है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी प्रभावित करेगा बच्चे के विद्यालय में अवस्थान। अगला है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड एट द एंड ऑफ ईच ग्रेड, जिसको हम सामान्य विद्यालय के अंदर तो स्टैग्नेशन जैसे कहते हैं, कई बार स्टैग्नेशन जो होता है उसकी वजह से ड्रॉपआउट्स बढ़ता है और ऐसे बच्चों के साथ भी होगा, क्योंकि एक बच्चा उसके कुछ साथी अगर अगली कक्षा में चले गए हैं और वो नए छोटे एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहेगा तो वो हो सकता है कि विद्यालय से लेफ्ट आउट हो जाए और वो अच्छे से ना पढ़ पाए, तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है। अगला है ट्यूशन फी चार्ज बाय द स्कूल, पेरेंट्स चाहते हैं कि उस विद्यालय में लगाया जाए जो अच्छा है, परंतु अगर वहां पर जो शुल्क है वो अगर ज्यादा है तो भी कई बार जो पेरेंट्स हैं वहां वो उसको ट्रांजिट नहीं कर सकते, उसका अवस्थान या दाखिला वहां पर नहीं करवा सकते। अगला सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, जिसकी मैंने बात की, सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, वो अच्छे विद्यालय के चयन को भी प्रभावित करेगा और उसके साथ साथ बच्चे के जो लर्निंग एनवायरमेंट है, लर्निंग आउटकम्स है, उनको भी प्रभावित करेगा। और लास्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि समुदाय जो है वो शिक्षा प्रक्रिया के अंदर और विशेष तौर पर जो स्कूल ट्रांजिशन है उसके अंदर किस तरह का रोल प्ले करता है, उस चीज को प्रभावित करेगा। अब बात आती है स्कूल ट्रांजिशन के लिए रोल ऑफ प्रोफेशनल और टीचर्स, कुछ रोल्स यहाँ शेयर किए गए हैं। पहला है टू प्रमोट द स्पीडी एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड फैमिली टू द न्यू एजुकेशनल सेटिंग, जैसे ही बच्चा आपके नए वातावरण में आता है, घर से विद्यालय में आया या प्राथमिक विद्यालय से जो मिडिल में गया, मिडिल से हाई में गया, तो ये जो एडजस्टमेंट करनी है उसको प्रमोट करें जो प्रोफेशनल्स हैं या टीचर्स हैं, किसको, बालक को भी प्रमोट करें, उसके साथ साथ परिवार को भी प्रमोट करें। और ये कब हो पाएगा, जब हम उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट रखेंगे, जब हम उनके साथ सिंपैथेटिक बिहेवियर रखेंगे, जब हम उनको हर बात जो हमारी आवश्यकताएं क्या है और आपसे हम क्या चाहते हैं ये चीज जब हम क्लियर कर देंगे तब ऐसा होता है। दूसरा है टू एनहांस द चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन द न्यू एजुकेशनल सेटिंग, बच्चा नए वातावरण में आया है तो उसे हमने प्रोत्साहित करना है, उसे अभिप्रेरित करना है, किस चीज के लिए, इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन, स्वतंत्र और सफल भागीदारी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके अंदर उसकी सुनिश्चित करनी, वो अलग थलग ना रहे, वो हाशिए पे ना रहे, वो मुख्य धारा का हिस्सा बने, वो बाकी सभी बच्चे जो पुराने हैं या जो सेटिंग है उसका हिस्सा बने, उसको ये लगे कि ये मेरा ही विद्यालय, ये मेरी कक्षा है और ये मेरे सहपाठी हैं। अगला है टू एंश्योर द अनइंटरप्टेड प्रोविजंस ऑफ एप्रोप्रिएट सर्विसेज इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव स्कूल्स है। अनइंटरप्टेड प्रोविजंस क्या है, कोई बाध्यता ना हो, नियमितता के साथ चलती रहे जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है। और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव स्कूल सेटिंग का मतलब क्या है, विद्यालय जो आयोजना है, विद्यालय का जो पूरी प्रक्रिया है शिक्षा की, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ना, कोई भी बाधा ना, कम से कम बाधाएं होनी चाहिए। जब हम उसका आईटीपी बना रहे हैं, इंडिविजुअलाइज ट्रांजिशन प्लान, व्यक्तिक अवस्थान योजना जो बन रही है कि एक बच्चे के लिए, तो उसमें निश्चित हो जाए इस बच्चे को ऐसी समस्या आ रही है तो हमने जब इसके कक्षा होगी उसमें ये इस तरह की योजनाएं जो हमने बनानी है, इसको लागू करना है, तो उससे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम होती चाहिए। अगला है टू सपोर्ट एंड एम्पावर द फैमिली एज एन इक्वल पार्टनर इन द ट्रांजिशन प्रोसेस। बच्चे ने दाखिला ले लिया, अब आप परिवार के साथ कोई चीज शेयर नहीं कर रहे तो ट्रांजिशन ठीक से नहीं हो पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिवार को एक बराबर का हिस्सेदार अवस्थान प्रक्रिया के अंदर बनाना पड़ेगा।
अगला है टू एंश्योर सक्सेस ऑफ ट्रांजिशन प्रोसेस इन द स्कूल। अब हमने एक डॉक्यूमेंट तो बना लिया, परंतु हमने ये एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि ये जो अवस्थान प्रक्रिया है इसको हमने क्या करना है, कामयाब करना ही करना है। अगर इन चीजों पर थोड़ा सा भी ध्यान दे प्रोफेशनल और टीचर्स जो है विद्यालय के, तो बालक का अवस्थान ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सफल हो सकता है। अब बात आती है स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग ट्रांजिशन, हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। चार पांच है, पहला है अवेयर स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, जो बालक है और उसके अभिभावक हैं उनको हम क्या करें, जागरूक करें, अवेयर करें, उनको सूचनाएं दें, उनसे जो जानकारियां लेनी है वो ले, उसके बाद उनसे किस तरह की भूमिका चाहिए वो लेनी है, वो सारी चीजें बताई जानी चाहिए। और जितनी ज्यादा ये संवाद होगा विद्यालय और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, उतनी ही ज्यादा जो ट्रांजिशन है वो ज्यादा बेहतर हो पाए। दूसरा है डिस्कस एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचर्स अबाउट चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स, अध्यापक बच्चे से क्या चाहते हैं शिक्षा के लेवल पर, वो उनके अभिभावकों के साथ साझा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम उसको होमवर्क या जो भी काम करने के लिए, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य जब घर पर जाकर होता है और उसकी जो दोनों का जो लर्निंग है वो बच्चे के व्यवहार में एक परिवर्तन लेकर आता है, अगर ये ठीक से ना हो पाए घर पर, वो एक्टिविटी नहीं हुई जो हम करवाना चाहते, और खास करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर ऐसी चीजें जो होती हैं, तो फिर हमारा आईटीपी जो है वो कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल ट्रांजिशन इन्फॉर्मेशन विद कम्युनिटी, हम जो विद्यालय अवस्थान की जो सूचनाएं हैं वो समुदाय के साथ साझी करें कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं जी, ऐसा कोई बच्चा है तो हमें बताइए जिसको हम यहाँ पर ये करवा सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ए जनरल करिकुलम, सामान्य पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक साथ पढ़ पाए, उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। और लास्ट है एड बेसिक एक्टिविटी टेक्निक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य जो गतिविधियां हैं उनकी तकनीक को शामिल किया जाए, छोटी छोटी जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक्स जो है वो डेवलप की जाए और उसको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, उसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे। स्टेप्स ऑफ आईटीपी, ये जो अवस्थान की प्रक्रिया होती है इसके लिए एक, मान लीजिए एक बच्चा आपके पास आ रहा है जो विशेष श्रेणी के बच्चा है, तो उसके लिए हमें एक आईटीपी बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजिशन प्लान, व्यक्तिगत अवस्थान योजना। इसके स्टेप बताए हैं वेमन ने 1966 में, सात स्टेप बताए, वो कौन कौन से हैं उन पर हम विचार करते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ आईटीपी टीम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि अगर हम आईटीपी बनाना चाहते हैं तो हमें आईटीपी टीम्स बनानी पड़ेगी, किसके लिए, सभी बच्चों के लिए जो हमारे फोकस में है कि जिनको हमने यहाँ पर ट्रांजिट करना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट साइकिल, जब टीम बन गई फिर वो टीम बताएगी कि किस तरह से हमने इस बच्चे को विद्यालय में स्थापित करने के लिए, अवस्थान करने के लिए उसके सहयोग का जो चक्र है वो कैसे तैयार करेंगे, पहला स्टेप क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने स्टेप्स हैं वो सपोर्ट साइकिल के रूप में काम करेंगे। तीसरा आइडेंटिफाइंग बेसिक एक्टिविटीज, अब हम जब बच्चा विद्यालय में आ गया तो उसकी आधारभूत क्रियाएं क्या होंगी वो हमने पहचान करना है, उनको चिन्हित करना है ताकि वो प्रभावी तरीके से उसके ऊपर योजना बनाई जा सके। अगला है डिस्कस आईटीपी इन आईईपी, आईईपी का एक वीडियो पहले मैंने डाला था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होती है, तो आईईपी जब बना रहे हैं तब उसमें हम आईटीपी का ब्यौरा दें, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजिशन प्लान का ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा प्राइमरी पास करके सिक्स में जा रहा है और उसकी आईईपी दूसरे विद्यालयों को हमने सौंपनी है तो हम आईटीपी के बारे में भी जानकारी दें। अगला है यूज आईटीपी इन सेकेंडरी स्कूल, सो माध्यमिक विद्यालय है उसके अंदर हम क्या करें, आईटीपी को प्रयोग में लेकर आए। मेक चेंजेज इन एनुअल आईटीपी, एक साल आपने आईटीपी बनाई उसमें क्या बदलाव होने चाहिए अगले साल के लिए बच्चे के लिए, वो परिवर्तन होने चाहिए उनको किया जाना चाहिए। और अंतिम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंक्लूडिंग डिस्कशन ऑन आईटीपी, जैसे ही एक आईटीपी पूरी होती है एक साल के लिए या जो आपका टर्म है एक महीने के लिए बना रहे हैं, छह महीने के लिए बना रहे हैं, एक क्वार्टर के लिए, तीन महीने के लिए बना रहे हैं, तो वो जैसे ही पूरी होती है उसके एक ऊपर एक पूरे जो टीम है आईटीपी की उसके डिस्कशन होना चाहिए, उसमें जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए और फिर एक नई आईटीपी जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक स्कूल ट्रांजिशन, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।